हेलो हेलो मैम, एवरीवन। हेलो इससे पहले हमने मैम। चैप्टर पढ़ा है ज्योग्राफी में इनसाइड अवर अर्थ। तो हमने ये जो चैप्टर था काफी इंटरेस्टिंग था चैप्टर। हमने इसे पूरा पढ़ा, इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पढ़े। आई होप सभी को समझ आया होगा। सबको यस मैम, समझ आया? यस मैम, तो आज हम क्या मैम। करेंगे, आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है उसे डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले, बिफोर मूविंग द क्वेश्चन आंसर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, किसी को इस चैप्टर को लेके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? हाँ जो कल आपको नोट सेंड किए गए थे वो आप सभी ने नोट डाउन कर लिए, रिवाइज यस मैम, भी कर लिया होगा सभी ने। यस मैम, चलिए फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई क्वेश्चन यस नहीं है ना किसी के पास? नो। तो हमें क्या करना है, आज हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं। ये सभी को उसके आंसर आते होंगे क्योंकि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका है सभी को। तो मैं जिसने भी क्वेश्चन के आंसर पूछूंगी वो मुझे आंसर देगा, जिसने बच्चे का नाम लिया। तो चलिए पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ? क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? चलिए खुशी इसका आंसर बताइए बेटा आप। व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ? यस खुशी, सुनाई दे रहे हैं? आप बताइए, व्हाट आर थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ? क्रस्ट, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। अभिषेक बेटा आप बताइए। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आर द थ्री लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो हमारी अर्थ है इसकी थ्री लेयर्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड लास्ट इज कोर। तो ये इसकी थ्री लेयर्स हैं, ठीक है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आर द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या है ये? चलिए काव्यांशु आप बताइए, व्हाट इज रॉक? I'm rock. यस रॉक, व्हाट इज रॉक? I'm rock is if अब कोई क्वेश्चन दिख रहा है सेकंड वाला, व्हाट इज रॉक, इसका आंसर देना है। ये श्रेया बेटा व्हाट इज रॉक? श्रेया व्हाट इज रॉक? एनी नेचुरल मास मिनरल मैटर मेड अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। यस, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक द अर्थ क्रस्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं? रॉक। ठीक है, कोई भी जो प्राकृतिक पिंड है जिससे जिसके अंदर मास होता है, उसका भार होता है और वो अर्थ क्रस्ट की रचना करती है, अर्थ क्रस्ट बनी होती है उससे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रॉक। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक। यस महिमा आप बताइए। यस, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक। आकृति आप बताइए, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक। यस आकृति, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक। मैथोलॉजिकल रॉक्स, ठीक
सवेंशु आप बताइए बेटा। एम इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यस, फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेकेंड इज सेडिमेंटरी रॉक एंड थर्ड लास्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये थ्री टाइप्स के रॉक के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती है? तो ये हम सभी ने पढ़ा था। यश रत्नेश आप बताइए। क्या बेटा आप बताइए मैम? हाउ आर एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? When the mountain lava comes out and cools down, it forms extrusive rock. And when the molten lava under the volcano cools, it forms intrusive rock. Yes, beta, well tried. When the molten magma comes out on the earth's surface, it becomes solid, it's cooled down and becomes solid. So it becomes a extrusive rock. जब जो मैग्मा है वो बाहर अर्थ सरफेस पे निकल के आता है, वहीं पर कूल डाउन हो जाता है, वहीं सॉलिड हो जाता है, तो ये कौन सी रॉक होती है? एक्सक्लूसिव रॉक। एंड व्हेन मोल्टन मैग्मा नॉट कम्स आउटसाइड एंड इट बिकम सॉलिड इनसाइड द अर्थ सरफेस, तो एंड बिकम सॉलिड, इट्स मेक इंट्रूसिव रॉक। तो जब क्या होता है, जब मैग्मा बाहर नहीं आता, अर्थ सरफेस पे नहीं आता, अंदर ही जो क्रैक्स जो होती है, हीलिंग होती है, उनके अंदर चला जाता है, वहीं पर सॉलिड हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो ये कौन सी रॉक होती है? इंट्रूसिव रॉक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल? यस प्राची, व्हाट इज रॉक साइकिल? व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? Mem, rock cycle is a rock cycle is a other shop bataiye beta. Mem, the process of transformation of the rock from one to another is called rock cycle. Yes, the process of transformation of rock one into another is called rock cycle. एक rock दूसरे type के rock में convert हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? Rock cycle. अब ऐसा क्यों होता है? Yes, क्या बेटा आप बताइए? What do you mean by rock cycle? The transformation of rock into another type of rock cycle. चलिए बात है next question पे। What are the uses of rocks? Rocks के क्या क्या uses हैं? ये हमने last class में discuss किया था। रचनेश बेटा आप बताइए। What are the uses of rocks? खुशी आप बताइए बेटा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? यस प्राची, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? आदर्श आप बताइए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स?
यस महिमा आप बताइए. व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? मैटर. व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? हमने रॉक्स के यूजेस पढ़े थे लास्ट क्लास में. कहाँ कहाँ यूज होता है? इग्नियस रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक कहाँ कहाँ यूज होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था. तो आपको ये बताना है कि रॉक्स कहाँ कहाँ यूज होती है. यश अभिषेक आप बताइए. व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? The uses of rocks are to make monuments, bridges, and roads, etc. Shilishya, आप भी बताइए. What are the uses of rocks? It is used for making buildings, monuments, roads, bridges, etc. चलिए बेटा वेल ट्राइड. अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? रॉक्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स. इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड मैनी अट्रैक्टिव स्टैचूज. इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? इट इज आल्सो यूज्ड इन द ग्रेवल इन मेकिंग रोड्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग टूथपेस्ट. हमने पढ़ा था ना इससे मिनरल मिलता है, रॉक साल्ट मिलता है, तो उससे भी आपका टूथपेस्ट बनता है. और यही जो रॉक जो साल्ट है इसको हम खाने के लिए, उसके हमने काफी सारे यूजेस पढ़े थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले. व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? यस प्रशांत आप बताइए बेटा. व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक आर यूज इन द टाइल्स एंड. बेटा आपको यूज नहीं बताना है, ये बताना है मेटामॉर्फिक रॉक एक्चुअल में क्या है, ये कैसे फॉर्म होती है. यश आदर्श आप बताइए. व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? ये श्रेया आप बताइए. व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? दिस रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक द हीट एंड डिप्रेशन. यस वेल ट्राइड. यस महिमा आप बताइए. व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? When the sedimentary rock gets pressure from the downside and heat from the downside and pressure from up, it is called metamorphic rock. अभिषेक आप बताइए बेटा. व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? एन इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक कैन चेंज इट्स फॉर्म बाय द ग्रेट हीट एंड प्रेशर. द रॉक फॉर्म्ड बाय दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. यस व्हेन सेडिमेंटरी एंड इग्नियस रॉक आर कंप्रेस्ड एंड इट इज कंप्रेस्ड बाय इट जो मेटामॉर्फिक रॉक है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड बाय द ग्रेट हीट एंड प्रेशर
फ्रॉम द सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक. जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक को हाई टेम्परेचर मिलता है, काफी ज्यादा दबाव मिलता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक में. ये क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके आंसर सभी को आते हैं, ये अपने आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है. चलिए अब आते हैं टिक द करेक्ट आंसर पे. फर्स्ट क्वेश्चन, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा. द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा. यस खुशी, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा. कौन सी रॉक है आपकी जो मोल्टन मैग्मा से बनती है? यस महिमा, इग्नियस रॉक, क्योंकि सेडिमेंट्री जो है वो सेडिमेंट से बनती है, एंड मेटामॉर्फिक आपकी इग्नियस एंड सेडिमेंट्री जो है वो उससे फॉर्म होती है ग्रेट एंड प्रेशर के कारण. तो जो आपकी इग्नियस रॉक है ये ओनली ऐसी रॉक है जो मोल्टन मैग्मा से बनती है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे. यस रत्नेश, आप बताइए. कोर. यस, कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो आपकी क्रस्ट है ये अपर मोस्ट है, एंड जो मेंटल है ये बिटवीन लेयर है, बीच की लेयर. जो आपकी कोर है ये कौन सी है? इनर मोस्ट, सबसे अंदर की लेयर है. ठीक है, तो द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ. थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है सभी को. गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? यस निहारिका, आप बताइए. गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल, ये किसके एग्जाम्पल हैं सभी? यस आदर्श, बताइए आप. फॉसिल. फॉसिल के. यस श्रेया, आप बताइए. मिनरल्स. मिनरल्स. महिमा, आप बताइए. मिनरल्स. प्राची. मैम मिनरल्स. जो गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल हैं ये आपके मिनरल्स के एग्जांपल हैं, खनिज. ये सभी जो हैं ये मिनरल्स हैं जिनसे हम नई चीजें बनाते हैं, नई चीजें तैयार करते हैं. जैसे हमने गोल्ड एंड पेट्रोलियम, ये कोल, ये सभी पढ़ा था, ये सभी फॉसिल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. बट जब हम इन्हें अर्थ क्रस्ट से लेते हैं तो ये हमें मिनरल्स के रूप में ही तो मिलते हैं. फॉसिल तो हम बाद में बनाते हैं, इन्हें फॉसिल के रूप में प्रयोग करते हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन. रॉक्स विच कंटेन फॉसिल आर, कौन सी रॉक में फॉसिल्स पाए जाते हैं? ये भी हमने पढ़ा था पहले. यस प्राची, बताइए. विच रॉक्स कंटेन फॉसिल. यस प्रशांत. सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक. यस प्रशांत. मैम इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक. रत्नेश. सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक. यस आकृति, आप बताइए. सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक. यस अभिषेक. सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक. खुशी. चलिए, तो जो हमारी ये सेडिमेंट्री रॉक है इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम, मैंने आपको बताया था जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ये सेडिमेंट से बनती है. जो पार्टिकल्स हैं, जो इग्नियस रॉक आपकी जो ब्रेकडाउन होती है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो रोल डाउन होते हैं, एक जगह आके उसके जो सेडिमेंट से सेटल होते हैं वही डिपॉजिट होते जाते हैं. और जब वो डिपॉजिट होते हैं तो उनके साथ साथ डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, ये सारे भी दबते जाते हैं, तो जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल में. तो आपको ये किस लेयर में मिलते हैं, कौन सी रॉक में? सेडिमेंट्री रॉक में. चलिए वी कमेंट फिफ्थ क्वेश्चन. द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, हमारी अर्थ की सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है? यस उत्कर्ष, बताइए. विच इज द
यस अलका, आप बताइए बेटा, विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? बेटा आपने यस बताइए, विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? रत्नेश आप बताइए. मैम क्रस्ट. क्रस्ट, तो जो क्रस्ट है आपकी ये कौन सी लेयर है? थिनेस्ट लेयर. हमारी अर्थ की सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है, थिनेस्ट लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट. और इसी में हमें सारे मिनरल्स पाए जाते मिलते हैं. जितने भी रॉक्स हैं, जितने भी टाइप की रॉक हैं, तो सारी हमें इसी लेयर में मिलती है. तो आप सभी को ये समझ आ गया होगा. अब हम आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट आता है मैचिंग. आप सभी को दिख रहे हैं? फर्स्ट है हमारा कोर. अब जो कोर है ये किससे मैच होगा? अर्थ सरफेस, यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, थर्मोस लेयर, चेंज इन प्लेट या प्रोसेस ट्रांसमिशन ऑफ द रॉक. यस निहारिका आप बताइए, और आपका किससे मैच होगा? यस आदर्श बताइए बेटा. मैम फोर. यस फोर. प्राची आप बताइए. इनर मोस्ट. यस फोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो हमारी जो अर्थ की थ्री लेयर्स है उनमें से जो इनर मोस्ट है सबसे हमारी वो कौन सी है? फोर. नेक्स्ट पे आते हैं मिनरल्स. मिनरल्स आपका किससे मैच होगा? यस रत्नेश आप बताइए. अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस. अभिषेक आप बताइए. मैम है डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. यस मिनरल्स में आएगा हैज डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. आपके मिनरल्स हैं इनमें एक निश्चित मात्रा में रासायनिक उत्पाद पाए जाते हैं, रासायनिक चीजें, और जिनका हम इस्तेमाल करके बाद में नई नई चीजें निकालते बनाते हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही जितने भी हमें मिनरल्स मिलते हैं उनसे हम नई चीजें तैयार करते हैं. तो आपका जो मिनरल्स है ये किससे मैच होगा? हैज डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. समझ आ गया. अब आगे मूव करते हैं. रॉक. मुस्कान आप बताइए, रॉक किससे मैच होगा? यस मुस्कान, जो आपका रॉक है ये किससे मैच होगा? आदर्श आप बताइए बेटा. यस श्रेया आप बताइए, रॉक्स किससे मैच होगा? अभिषेक आप बताइए बेटा. अर्थ सरफेस. नो, रॉक्स आपका मिलेगा फॉर रोड एंड बिल्डिंग. रोड एंड बिल्डिंग. ओके, रॉक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? yes, ma'am. सड़क और इमारत बनाने में, यूज फॉर रॉक, रोड एंड बिल्डिंग. yes, ma'am. तो आपका ये थर्ड है रॉक्स, ये किससे मैच होगा? यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग. अब आते हैं फोर्थ पे, क्ले. yes, ma'am. जो आपका क्ले है ये किससे मैच होगा? श्रेया आप बताइए. ma'am. चेंज इन टू स्लेट.
अभिषेक आप बताइए। श्रेया ने जो आंसर दिया वो राइट है। आदर्श आप बताइए क्ले किसके नाच होगा। यस इट इज अ राइट आंसर। तो क्ले है आपका, ये किसके कन्वर्ट हो जाता है, क्ले यानी चिकनी मिट्टी। तो ये क्ले है आपकी, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्लेट में। ठीक है चलिए बातें लास्ट पे सियाल। प्रशांत आप बताइए सियाल जो है वो किससे मैच होगा। यस प्रशांत सियाल किससे मैच होगा। अलका आप बताइए बेटा। बेटा आपने म्यूट किया हुआ है, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे। मेड ऑफ एल्यूमिना। यस मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। जो सियाल है आपका ये किससे बना हुआ है, सिलिका एंड एल्यूमिनिया, जो कि आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी, हमने पढ़ा हुआ था। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी सियाल के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये सिलिकॉन एंड एल्यूमिनिया की बनी है। और जो हमने ओशियनिक क्रस्ट की थी वो क्या जानी जाती है, साइमा, क्योंकि वो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की बनी है। तो ये सभी को समझ आ गया होगा, हम आगे मूव करते हैं। रीजन पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम में से कोई भी अर्थ के सेंटर तक नहीं जा सकता, तो इसका रीजन देना है आपको क्यों, व्हाई। यस मुस्कान आप बताइए पहले। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस श्रेया आप बताइए। इन द सेंटर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इज टू हाई एंड वी लिव ऑन द अर्थ। यस एंड राइट। अलका आप बताइए बेटा। We cannot go to the center of the earth. We cannot go to the center of the earth because there is very high temperature, about 6000 degree Celsius. ये हमने पढ़ा था। इसका जो टेम्परेचर है वो 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक है। दूसरा जो इसकी हाइट है ये ओशियन लेवल से 6000 किलोमीटर नीचे, अप्रॉक्स 6000 किलोमीटर, तो वहां तक जाना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और सबसे मेन बात, देयर इज नो फेवरेबल कंडीशन, देयर इज नो ऑक्सीजन एंड देयर इज नो वॉटर, तो हम कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। ना तो वहां पानी है, ना हवा है, और ना ही हमारे रहने लायक स्थिति है वहां पर। कोई भी कंडीशन नहीं ऐसी जिससे हम सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज देयर इज नो फेवरेबल कंडीशन, नो ऑक्सीजन, नो वॉटर एंड इट इज इट्स डेप्थ इज वेरी हाई, अबाउट 6000 किलोमीटर, तो हम इसलिए इसके सेंटर तक नहीं जा सकते। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। जो सेडिमेंट्री रॉक है ये सेडिमेंट से बनती है, इसका रीजन देना है क्यों। जो सेडिमेंट्री रॉक है आपकी ये सेडिमेंट से ही क्यों बनती है। यस प्रशांत आप बताइए बेटा। आदर्श आप बताइए। यस अभिषेक आप बताइए। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट बिकॉज सेडिमेंट कॉम्प्रेस विद ईच अदर एंड मेक द रॉक। यस बेटा वेल सेड। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट
because of weight comparison and heat and pressure. अधिक दबाव मिलता है, गर्मी मिलती है, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है. और सबसे मेन रीजन की सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट बाय वाइंड एयर एटसेट्रा एंड इन सेटल डाउन एट अ प्लेस. ये एक जगह पर आकर के टिक जाते हैं, वहीं पर डिपॉजिट होते जाते हैं. और जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सेडिमेंट्स में. तो जो सेडिमेंटरी रॉक है आपके, सेडिमेंट से ही बनती है, क्योंकि ये एयर वाटर एटसेट्रा के थ्रू आकर एक ही जगह सेटल हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है वहां पे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल. जो आपका लाइमस्टोन है यानी चूना पत्थर, ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? यस काव्यांशु, आप बताइए बेटा. लाइमस्टोन हम लोग दीवार पर चूना पत्थर लगाते हैं. yes. मार्बल भी हम लोग दीवार पर मार्बल में चेंज होता है. प्रांची, आप बताइए. लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, व्हाई? आदर्श, आप बताइए बेटा. मैम, लाइमस्टोन. श्रेया, आप बताइए बेटा. लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल बिकॉज ड्यू टू हैव इट मेल्ट एंड आफ्टर सम टाइम इट कूल्स एंड सॉलिड. जो लाइमस्टोन है आपका, ये क्या है? सेडिमेंटरी रॉक. और जो मार्बल है आपकी, ये कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक. तो सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक में क्यों कन्वर्ट हो जाती है, क्या रीजन है उसका? इसका बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर है, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ ग्रेट हीट एंड प्रेशर. बस जो आपका लाइमस्टोन है ये मार्बल में क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि उसपे उसको बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है, बहुत ज्यादा दबाव मिलता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई? मार्बल में. ठीक है, सेडिमेंटरी से किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक में. तो ये जितना अभी हमने किया सभी को समझ आ गया है? yes, ma'am. चलिए, आपको ये एक्टिविटी भी है अब आगे, फॉर फन, मजे करने के लिए. व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट. आपको ये नीचे सारे आर्टिकल्स दिख रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है, इसमें मेनली कौन सा मिनरल यूज हुआ है ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल यूज हुआ है इनमें? क्या आपकी क्या है कढ़ाई, ये किससे बनती है श्रेया? कौन से मिनरल से बनती है? यस काव्यांशु, आप बताइए किससे बनती है ये, कौन सा मिनरल इस्तेमाल होता है इसे बनाने में? आप बताइए. यस अलका, आप बताइए बेटा. इसमें कंफ्यूज होते हैं. यस रत्नेश, आप बताओ बेटा. इसमें कौन सा? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम एंड एक और चीज यूज होती है, आयरन. या तो आयरन, एल्यूमिनियम यूज होता है या आयरन यूज होता है. अब ये दूसरी पिक दिख रही है, इसके बारे में सभी को पता होगा ये किससे बनता है. यस प्राची, आप बताओ. सेकंड जो पिक है ये वाली, ये किससे बनती है, कौन से मिनरल से? यस बेटा बोलो, किससे बना ये? महिमा, आप बताइए. नेकलेस किससे बनता है? गोल्ड से. गोल्ड, एक गोल्ड का ही तो है ये. नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये ऑर्नामेंट्स दिए हैं, जेवर दिए हैं ये पहनने वाले.
अब आपका जो दूसरा है ये कानों में पहनने वाला है, ईयर ऑर्नामेंट, कानों में पहनने वाला जेवर, ये किसका बना है? यस प्रशांत आप बताओ कौन सा मेटल यूज हुआ है इसमें? एल्यूमिनियम के बेटा ऑर्नामेंट नहीं बनते, इसमें सिल्वर एंड डायमंड दो चीजें यूज हुई हैं। अब जो आपका ये नेक्स्ट है पैन एंड तवा, ये आप सभी के घर में यूज होता है, ये कौन से मेटल से बना है? आयरन। आयरन, ये आयरन से बना हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट आती है बेल, ये आप सभी ने देखी होगी टेंपल में, तो ये जो बेल है ये किस चीज की बनी होती है? यस रत्नेश आप बताइए कौन सा मेटल यूज हुआ है इसमें? श्रेया बताइए आप, आयरन। यस अलका आप बताइए, आयरन। आयरन, तो ये आपकी आयरन की बनी हो सकती है, इसमें ऊपर से कोटिंग की गई है गोल्ड की, गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। ये हम आगे साइंस में पढ़ेंगे कि जो मतलब आपके साइंस में चैप्टर में आएगा कि एक मेटल पर दूसरे मेटल की परत कैसे चढ़ाते हैं, कवर अप कैसे करते हैं। ये नेक्स्ट आपका हैमर है बेटा, टाइम ओवर होने वाला है तो आप सभी रिजॉइन करेंगे। चलिए जो हैमर है ये कौन से मेटल से बना है? आकृति आप बताओ किससे बना है ये? सेशन आपका खत्म होने वाला है, अभी गूगल फॉर्म वाला क्विज आपको इस चैप्टर का अटेम्प्ट करना है, इसलिए सभी लोग सेशन जैसे ही खत्म हो दोबारा रिज्वाइन करें और अपने गूगल फॉर्म जो क्विज है कुछ भी आज ही अटेम्प्ट करके इस चैप्टर को फाइनल करें। सभी बच्चे